नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। कल दिनांक 13 अप्रैल 2022 को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट के द्वारा मैंने एक कमेंट किया था, कटाक्ष किया था SBI NCID के ऊपर, अति पारदर्शक गोपनीय विभाग SBI NCID मुंबई, जिसके चलते कई महानुभावों ने, कई लोगों ने मुझसे संपर्क स्थापित किया। संपर्क स्थापित कर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि इस विषय पर मैं सविस्तार अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखूं। इसलिए मैं आज का यह वीडियो बनाकर आपके समक्ष रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। कटाक्ष करने का कारण एक था कि SBI NCID गोपनीय शाखा है और इसकी गोपनीयता बरकरार रहे, इसके लिए प्रशासन ने या गवर्नमेंट ने RTI के तहत, RTI की धारा क्रमांक 8 के तहत इस शाखा को RTI की परिधि कक्ष से बाहर रखा है। यानी आप यहाँ की गोपनीय जानकारी RTI के तहत नहीं मांग सकते। ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या हुआ, यह गोपनीय पत्र सार्वजनिक किया गया, प्रचार प्रसार माध्यम में दिया गया, सोशल मीडिया में इसकी प्रसिद्धि दी गई, जबकि वह सही में गोपनीय पत्र था और ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत भी आता है, क्योंकि वह सुरक्षता से संबंधित पत्र था। तो यह पत्र जो जिस किसी ने भी सार्वजनिक किया, उसके पीछे उसकी क्या मंशा रही होगी, क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या हेतु रहा होगा, यह यहां जानना अत्यंत जरूरी है इसके तह तक जाने के लिए। तो अगर हम देखने जाएं तो यह पत्र का सीधा संबंध 8 अप्रैल 2022 के दिन श्रद्धेय माननीय श्री शरद पवार जी के निवास स्थान सिल्वर ओक पर दिशाविहीन नेतृत्व के चलते अनियंत्रित ST कामगार लोगों द्वारा मचाया गया उत्पात, किया गया पथराव, चप्पल फेंक और माननीय श्री शरद पवार जी के संदर्भ में कहे गए अपशब्द और स्लोगन। तो क्या इस जो अप्रिय घटना हुई थी उसके बारे में पुलिस को मालूम नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, क्या कर रहा था पुलिस महकमा, क्या कर रहा था गोपनीय विभाग, इसका सीधा संबंध ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ आता है, क्योंकि वे ही इस विभाग के प्रमुख हैं और उनके अंदर ही SBI NCID आता है। इसलिए सभी स्तर के लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर श्री नागरे पाटिल जी को इस संबंध में जवाबदार ठहराया, जिसके चलते खुद का बचाव करने के लिए और लगाए गए आरोपों को निराधार साबित करने के लिए श्री नागरे पाटिल जी ने यही चोटी का जोर लगाया, अपने समर्थकों को मोबिलाइज किया और वे समर्थक उनके समर्थन में सामने दिया। सर्वप्रथम घटना के दिन ही श्री सुप्रिया सुले जी ने उनके बचाव के लिए लोगों ने यह बयान दिया कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई समाधानकारक थी। उसके बाद पत्रकार बंधुओं का नंबर आया तो अंग्रेजी समाचार पत्र के एक वरिष्ठ पत्रकार ने श्री नागरे पाटिल जी की समय सूचकता, उनकी निर्णय शक्ति, निर्णय क्षमता, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा कि उसी वजह से इस अप्रिय घटना पर हम नियंत्रण पा सकते। बाद में मैंने उन पत्रकार बंधु से संपर्क प्रस्थापित कर, उनके भ्रमण ध्वनि पर संपर्क प्रस्थापित कर लॉ ऑर्डर की उस समस्या के बारे में जानने के प्रयत्न किया, तो उन्होंने कहा कि उस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम कि लॉ ऑर्डर के क्या फंक्शन है, क्या उनके काम करने की पद्धत है, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, आगे हुए उस बारे में जानकारी अवश्य देंगे। यानी कोई भी जानकारी न होते हुए भी उन्होंने अपने स्तुति सुमन वर्षाओ श्री नागरे पाटिल जी पर कर अपनी निष्ठा का प्रमाण दिया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है शासन की, महाराष्ट्र शासन की। सभी तरफ से जवाबदारियां नागरे पाटिल के ऊपर आ रही है और वे भी जानते हैं, फिर भी इस पूरे घटनाक्रम की इंक्वायरी नागरे पाटिल जी को दिया गया। यानी चोर भी मैं, पुलिस भी मैं और न्यायाधीश भी मैं। ऐसी परिस्थिति में इस इंक्वायरी का क्या होगा, तो भगवान मालूम। उसके बाद भी नागरे पाटिल जी को सुरक्षितता नहीं महसूस हुई,
जिसके चलते यह पत्र सार्वजनिक हुआ ऐसा लोगों में चर्चा है। क्योंकि अगर इस पत्र को आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो गोपनीय पत्र है, ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, गोपनीय होने की वजह से। और इस पत्र को अगर आप ध्यान में देंगे फिर भी यह सार्वजनिक है, और इस पत्र पर आप ध्यान देंगे सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जैसे कि पूरा पत्र मराठी में लिखा गया है, सिर्फ आउटवर्ड नंबर इंग्लिश में है, और वो अभी इस तरह से लिखा गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे बाद में प्रिंट किया गया है। आउटवर्ड नंबर को भी अगर आप पढ़ेंगे तो R2C/ADC लेबर ब्रांच R374/2022 एडिशनल सीपी लेबर ब्रांच, ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं है। एडिशनल सीपी एसबी का होता है, लेबर ब्रांच का नहीं। उसके बाद आगे देखेंगे तो दिनांक 4 अप्रैल का पत्र है, 4 अप्रैल 2022 का, और उसमें जो जानकारी दी गई है आंदोलन के बारे में, एसटी कामगार आंदोलन करने वाले मातुश्री पर, सह्याद्री गेस्ट हाउस पर, मंत्रालय पर, और सिर्फ रूम निवास पर, और वो भी 4 तारीख, यानी 4 तारीख को जो वे आंदोलन करने वाले हैं उसकी जानकारी के बारे में पत्र 4 तारीख को तैयार किया गया। और पुलिस स्टेशन मतलब सीपी तक, जन सीपी तक पहुंचने में 5 तारीख लगेगा, तो क्या खास सुरक्षता होगी और क्या होगा, इसे इंटेलिजेंस नहीं कहा जा सकता, इसे इंफॉर्मेशन कहा जा सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो होता है वो एडवांस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। तो ये लिखा हुआ था जल्दबाजी में लिखा हुआ पत्र स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में देखेंगे तो नीचे जो हस्ताक्षर है वो उस समय के कार्यवाहक अपर पुलिस आयुक्त श्री निशित मिश्रा जी की वहां पर हस्ताक्षर है, और उसके नीचे कोई तारीख नहीं है, क्योंकि तारीख लिखना अनिवार्य है, फिर भी नहीं है। उसके बाद और आगे देखेंगे तो उस पर SB1 के सीनियर PI श्री बागवी जी की काउंटर सिग्नेचर है। यह काउंटर सिग्नेचर ऑफिस कॉपी पर दी होती है, मतलब ऑफिस के स्थल पर तो ऑफिस कॉपी होती है, उस पर होती है, और उसके साथ में अन्य कॉपियां लगी होती हैं जिन पर कि वह संबंधित कनिष्ठ अधिकारी सही नहीं करता, वरिष्ठ के सिर्फ सही होते हैं, और वे जो ऑफिस कॉपी ऑफिस में रहती है, बाकी की जो कॉपी यहाँ पर रहती है वो अन्य इकाइयों को या अन्य डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। यहाँ पर जो प्रत जो पत्र की सार्वजनिक हुई वह ऑफिस कॉपी है, इसका मतलब जानबूझकर विशिष्ट हेतु के चलते विशिष्ट उद्देश्य को आपके सामने रखकर यह पत्र सार्वजनिक किया गया। तो इसका फायदा किसको हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसका फायदा नागरे पाटिल जी को और SB1 CID को, उनके लोगों को, वे लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमने हमें जानकारी थी, हमने जानकारी दी थी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा हम इसके लिए जवाबदार नहीं, जवाबदार पुलिस स्टेशन वाले। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आगे चल के पुलिस स्टेशन के राजभर जी को निलंबित कर दिया गया। यही कानून है कि कभी भी ये वरिष्ठों पर कभी भी इतना भी हो जाए, ये सारे IPS IPS को बचाते फिरते हैं, चाहे वो संजय पांडे जी हो, संजय बर्वे जी हो, या कोई भी हो, यही उस PSI को, सीनियर PI को निलंबित करने में एक मिनट नहीं लगा। लेकिन ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत अपराध दाखिल होगा, क्योंकि जो शरद पवार जी के निवास स्थान पर जो निंदनीय घटना हुई उससे भी ज्यादा गंभीर है SB1 जैसे सुरक्षित विभाग का, जिस पर मुंबई की पूरी सुरक्षा की जवाबदारी है, उसकी सुरक्षता को खतरे में डालना, उसके गोपनीय दस्तावेज की चोरी होना, यह उससे भी ज्यादा गंभीर प्रश्न है। तो मेरी पुलिस आयुक्त श्री संजय पांडे जी से विनती है कि इस विषय पर सीधे अपराध दर्ज करें ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत, और बाद में कार्रवाई करें, वरना फिर ये सब IPS जितने हैं कोर्ट जाएंगे और कोर्ट कोर्ट खेलेंगे, और कोई आपका फोन टेपिंग करके आपको परेशान करेगा, क्योंकि छोटू की गैंग अभी भी कार्यरत है, ये ध्यान रखना, और अभी भी वह सपने देख रहा है, पुनः ही पुनः ही पुनः ही इसी तरह से।
और क्यों ना देखें, जब आपके सहकारी इस तरह के हैं, इतने कार्यक्षम हैं, तो सपना देखने का तो उसका हक बनता ही है। तो कृपया समय रहते कार्रवाई करें। और माननीय गृह मंत्री जी से मेरी विनती है कि यदि जनता कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब वो समझती नहीं, ऐसा नहीं है। उसको आप हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। बस यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।